नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। शुरू करते हैं यूपी 75 की। मुरादाबाद में तांडव को लेकर लोगों में गुस्सा, अभिनेता सैफ अली खान समेत तीन के खिलाफ दायर किया गया परिवाद। वृंदावन कुंभ मेला में स्वच्छता का संदेश देंगे परिसर में बनने वाले 400 शौचालय, साथ ही पीएम मोदी भी करेंगे संबोधित। यूपी में क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर किया अपहरण, मांगी 1 लाख की फिरौती। यूपी के मेरठ में मोस्ट वांटेड बदन सिंह बद्दो की कोठी पर आज चलेगा बुलडोजर, फोर्स तैनात। हाईकोर्ट ने किया यूपी सरकार से सवाल, अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की क्यों नहीं दी अनुमति। पूर्व सांसद अतीक अहमद के भाई पूर्व विधायक अशरफ की 7 संपत्तियों की गई चिन्हित, सभी की होगी कुर्की। एनसीजेडसीसी निदेशक का कार्यभार छीने जाने के बाद बोले इंद्रजीत सिंह ग्रोवर, हटाना था तो हटा देते, क्यों किया बेआबरू। यूपी बार काउंसिल में घमासान, 3 सदस्यीय कमेटी को मिली बार काउंसिल की कमान, अध्यक्षों के काम करने पर बीसीआई ने लगाई रोक। दिल्ली के भाजपा सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी पहुंचे संगम, किया लेटे हनुमान जी का दर्शन। नोएडा से भी प्रदूषित रही बनारस की हवा, बना देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर, एक्यूआई पहुंचा 348। ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्रा व एमएलसी पत्नी रामलली के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा, दोनों की संपत्ति आय से 924% पाई गई अधिक। तांडव फिल्म के डायरेक्टर और कलाकारों की हो गिरफ्तारी, भाजपाइयों ने की सरकार से मांग। उत्तर प्रदेश में नाबालिग लड़की की हत्या का प्रयास, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का निधन, लखनऊ के पीजीआई में ली अंतिम सांस। विवादित बयान पर केस, नसीमुद्दीन व राम अचल की जमानत अर्जी पर कल होगी सुनवाई। मैनेजमेंट की बारीकियां समझाने आज बरेली आएंगे अखिलेश यादव, मिशन 2022 के लिए सपा कार्यकर्ताओं से करेंगे चर्चा। मिशन 2022 की रणनीति बनाने को आज लखनऊ आएंगे जेपी नड्डा, मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ करेंगे बैठक। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि हर गांव में बने शहीद स्मारक, शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के लिखे जाए नाम। यूपी में इस महीने 4.5 लाख लोगों का 3 दिन में होगा वैक्सीनेशन, स्वास्थ्य विभाग ने की तैयारी। बरेली में मेडिकल कारोबारी की गोली मारकर हत्या, हार्ट अटैक से मारा समझकर परिजन करने जा रहे थे अंतिम संस्कार। बाहुबली विधायक विजय मिश्र और उनकी पत्नी पर कथा शिकंजा, आय से अधिक संपत्ति पर मुकदमा दर्ज।
उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थल के पास बने शौचालय में तोड़फोड़, 25 लोगों पर दर्ज हुआ मुकदमा। अखिलेश का भाजपा पर आरोप, कृषि कानूनों को स्थगित करने का प्रस्ताव तर्कहीन। डिफेंस कॉरिडोर की झांसी नोट के लिए पहली कंपनी आई सामने, 600 करोड़ का होगा निवेश, 1000 को मिलेगा रोजगार। प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री बोले, वृद्धावस्था पेंशन के लंबित आवेदनों का एक हफ्ते में होगा निस्तारण। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया यूपी के ग्रामीणों को तोहफा, बोले आवास योजना से जुड़े करोड़ों के सपने। उत्तर प्रदेश में कोरोना से संक्रमित मिले 404 नए मरीज, 8 मरीजों की हुई मौत। यूपी में राम मंदिर निर्माण कार्य पर लगेगी अंतिम मुहर, आज से होगी समिति की 2 दिवसीय बैठक। शिखर धवन हुए वाराणसी की गंगा आरती में शामिल, टीम इंडिया की जीत का मनाया जश्न। वाराणसी में बोले राज्य मंत्री उदय भान सिंह, जीआई उत्पाद है विश्वास और स्वाभिमान की पहचान। कानपुर देहात में हंसिया मारकर लूटे 5 लाख, लुटेरों के हमले से व्यापारी की 3 उंगलियां कटी। औरैया में हर साल हुजूर हाफिज बुखारी के लिए किया जाता है 119वां उर्स का आयोजन, लेकिन इस बार कोरोना के चलते उसके आयोजन को किया गया रद्द। बस्ती में बेसिक शिक्षा मंत्री के नाम का किया जा रहा है इस्तेमाल, व्हाट्सएप पर बेसिक शिक्षा मंत्री का डीपी लगाकर पत्रकार दिलीप पांडे से पैसों की मांग। उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे दबंगों के हौसले, फरुखाबाद क्षेत्र कोतवाली में दबंगों ने दुकानदार पर की खुलेआम फायरिंग, बाजार में मच गया हड़कंप। प्रदेश के तकरीबन 61,000 लाभार्थी पीएम आवास योजना का उठा सकेंगे लाभ, प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के कई जनपदों के लाभार्थियों से की बातचीत। औरैया के बिधुना विधायक के कार्यालय पर 2 भाइयों के बीच हुआ विवाद, मारपीट के बाद 1 भाई हुआ घायल। सोनभद्र में महिला ने अपने पति पर डंडे से किया हमला, इस दौरान पति की हुई मौत, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। फरुखाबाद में ट्रक और एक दूसरी गाड़ी में जोरदार टक्कर, दोनों गाड़ियों की जोरदार टक्कर में एक ट्रक ड्राइवर को आई गंभीर चोटें। राजधानी लखनऊ में बदमाश बेखौफ होकर पुलिस को दे रहे हैं चुनौती, बख्शी का तालाब में बदमाशों ने की पुजारी की बेरहमी से हत्या, इसके बाद इलाके में मचा हड़कंप। लखनऊ में 26 जनवरी के मौके पर सीएमएस की ओर से निकाली जाएगी झांकी, गणतंत्र दिवस परेड से 1 दिन पहले रविंद्रालय के पास इस झांकी की होगी रिहर्सल। कानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में छात्रों ने वीआईपी रोड को किया जाम, परीक्षा कराने से इनकार करने के चलते छात्रों ने किया जाम। कन्नौज में शहीद की मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे सांसद साक्षी महाराज, वहीं इस मौके पर उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर साधा निशाना।
अमरोहा की पौश इलाके में बदमाशों ने एक गोदाम पर बोला हमला। बदमाश गोदाम से 12 लाख रुपए की एसी फ्रिज और वॉशिंग मशीन चोरी कर हुए फरार। बहराइच की कोतवाली देहात में अज्ञात मिला ड्रोन कैमरा, जिसके मिलने से इलाके में मचा अफरा तफरी का माहौल। मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्रोन को लिया कब्जे में। गोरखपुर में बदमाशों ने फर्जी पुलिस की धौंस जमा कर लूट की वारदात को दिया अंजाम। असलहे के दम पर सराफा कारोबारियों से लाखों की नकदी लूट कर हुए फरार। कानपुर की बाबूपुरवा पुलिस ने एक बाइक चोर को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार के बाद सीओ बाबूपुरवा आलोक सिंह ने बताया कि चोर के पास 6 चोरी की बाइक की गई है बरामद। गोरखपुर के मोहद्दीपुर स्थित प्राचीन गुरुद्वारे में श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती का धूमधाम से हुआ आयोजन। इस शुभ अवसर पर किया गया ब्लड डोनेट का भी कार्यक्रम। प्रतापगढ़ में पुलिस को लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने लुटेरे गैंग को क्या पर्दाफाश। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 7 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। आईआईटी बीएचयू में कालाजार की पहली वैक्सीन का सफल ट्रायल। चूहों पर अध्ययन के बाद मिली सफलता। उत्तर प्रदेश में क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर किया अपहरण। मांगी 1 लाख की फिरौती। उत्तर प्रदेश में प्राइवेट हॉस्पिटल में सरकारी अस्पताल का इंजेक्शन लगाकर वसूले रुपए। तीमारदारों ने मचाया हंगामा। उत्तर प्रदेश में पुलिस की वर्दी में 2 सराफा व्यवसायियों को अगवा कर 30 लाख लूटे। तलाश में जुटी कई टीमें। राजधानी लखनऊ में जेपी नड्डा मंत्रिमंडल के साथ करेंगे बैठक। पंचायत चुनाव और मिशन 2022 की बनाएंगे रणनीति। हाईकोर्ट ने शासनादेश को किया स्पष्ट। दिव्यांग अधिकारियों व कर्मचारियों को है नियमित तबादले से छूट। मैनेजमेंट की बारीकियां समझाने बरेली आएंगे अखिलेश यादव। मिशन 2022 के लिए सपा कार्यकर्ताओं से करेंगे चर्चा। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने दिया आदेश। हर सप्ताह सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण करें डीएम कमिश्नर। यूपी के बिजनौर में प्लॉट की खुदाई के दौरान मिले चांदी के सिक्के। लोगों में लूटने को मची होड़। यूपी के कासगंज में अपहरण मासूम की बेरहमी से हत्या। 40 लाख की मांगी गई थी फिरौती। उत्तर प्रदेश की अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए नींव की खुदाई का काम शुरू। हटाया जा रहा है गर्भगृह। कोहरा छट जाएगा लेकिन बढ़ेगी गलन। अगले हफ्ते मौसम फिर बदलेगा करवट। जेपी नड्डा का लखनऊ दौरा कई मायनों में होगा अहम। सरकार से संगठन तक का लेंगे फीडबैक। शराब तस्करों और पुलिस की गठजोड़ का खुलासा। दरोगा ने तस्करों को बेच डाले केमिकल के ड्रम। आवास योजना को लेकर बोले पीएम मोदी, सपा सरकार ने नहीं किया काम। योगी सरकार में योजना ने पकड़ी रफ्तार।
लखनऊ में नहीं थम रहा वारदात का सिलसिला, पुजारी की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या, दान पात्र लूट ले गए बदमाश। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर किया बड़ा वार, कहा जवानों की जिंदगी से खेल रही सरकार। योगी सरकार पर बरसे अखिलेश यादव, बोले नाम बदलने वाले नहीं कर सकते हैं काम। सीएम योगी ने दिए निर्देश, किसानों को उद्योगपति बनाने के गुरु सिखाएगी सरकार। लखनऊ में छात्राओं का व्हाट्सएप ग्रुप हैक कर डट्टी ग्रुप पर डाले नंबर, अश्लील मैसेज भेजकर कर रहे थे परेशान। नोएडा ग्रेनो में और यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बनेगी खास सिटी, जमीन की तलाश शुरू। वाराणसी में 61 ग्राम पंचायत नगर निगम में शामिल 48 में से 7 वार्ड भी किया गया खत्म। हमीरपुर सरीला विकासखंड के बंगरा गांव में बैलगाड़ियों की दौड़ प्रतियोगिता का किया गया आयोजन, जिसमें दूरदराज से आई बैलगाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फरुखाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद, दबंगों पर शहर कोतवाल नहीं लगा पा रहे लगाम, मामूली विवाद में दबंगों ने परचूना विक्रेता के साथ की मारपीट। सुल्तानपुर के चर्चित हिमांशु प्रताप सिंह हत्याकांड का एक और आरोपी सद्दाम चढ़ा पुलिस के हत्थे, सद्दाम पर घोषित किया गया था 25,000 का इनाम। सहारनपुर जिले के देवबंद नगर में स्थित पंजाबी कॉलोनी में पहुंची सीबीआई की टीम, सीबीआई को देख कॉलोनी के लोगों में मचा हड़कंप। आजमगढ़ में दिव्यांग कल्याण समिति के बैनर तले जनपद भर के दिव्यांगों ने विभिन्न मांगों के साथ अंबेडकर पार्क में किया धरना प्रदर्शन, बनी रही टकराव की स्थिति। फिलहाल के लिए इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।